चेयरमैन ऑल इंडिया काउंटर टेररिज्म फ्रंट, मेरे साथ हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के सलारिया साहब, कि हमारे केवल जी हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट। हमारा आज का एक ही मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारा जो फ्रंट है ऑल इंडिया काउंटर टेररिज्म फ्रंट, अमन हो, शांति हो, खुशहाली हो, मिलिटेंसी का खात्मा हो और उग्रवाद ख़त्म हो जाए, और जो PAK जो है वो जो नजायज़ कब्जे में पाकिस्तान के, वो हमारे हिंदुस्तान से उसका विलय हो जाए, इसलिए हमारा फ्रंट ये काम करता है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, लश्कर तौबा की मुझे थ्रेट है, ISI मुझे मरवाना चाहती है, ये जम्मू कश्मीर के जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये अभी जो मेरे पास जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी ले लिया कोरोना के लिए, भाई कोरोना है अभी अभी ज़रूरत नहीं है, जबकि किसी भी वक्त मेरा जो यहाँ पे कत्ल हो सकता है, मेरी फैमिली की बर्बाद हो, ख़त्म हो सकती है, लेकिन इन्होंने मुझे सिक्योरिटी दी। एक हमारा ये मुद्दा है। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि हमारा फ्रंट जो है ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, हमारी सेना का कोई अपमान करे, हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी का अपमान करे, उसका हम हमेशा प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा फ्रंट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारी सेना का मतलब लगाने का कोई भी साजिश करे। इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारे फ्रंट के लोग इसका विरोध करेंगे। दूसरा, मैं IG साहब से ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में ये जो मिलिटेंटों के जो टेररिस्ट मारे जाते हैं उनके परिवार को ये देते हैं, तुरंत बंद कर दें। ये देशभक्त, हम देशभक्त, हमारा ये देश है, ये मिलिटेंटों को उनको बच्चों को देने के लिए हमारे पास नहीं है। हमारे नौजवान खुद ये सब यहाँ पे जो हैं अनएम्प्लॉयड कितने हैं, उनके बारे में सोचा जाए, उनको स्टाइफंड दिया जाए और भर्ती की जाए यहाँ पे। हमने पहले पिछले दिनों भी कहा था कि आर्मी के तर्ज पर जैसे TA टेरिटोरियल आर्मी होती है, वहाँ पे जो है वो बटालियन बनती है, यहाँ पे लाखों हमारे बच्चे जो हो उनकी बटालियन बन सकती है, मेडिकल में बन सकती है, मेडिकल हेल्थ में, एनवायरनमेंट में, और रेलवे में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इसमें हमारे लाखों बच्चे जो हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं। ये LG साहब से कहूँगा कि ये जो टेररिस्ट हैं इनका हक छोड़िए, जो हमारे लोग हैं इनका देखिए, हमारे नौजवानों को देखिए। कश्मीर के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, इनको बिल्कुल पनाह देना बंद कर दें। जो हमारे नौजवान हैं ये गन रास्ता छोड़ के अमन के तरफ आएँ, ये जो मिलिटेंसी है इस दहशतगर्दी से उनको मौत मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। अगर कश्मीर के लोग ये दहशतगर्दी को पनाह ना दें तो 4 दिन में ये दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं हमारे ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये हिंदुस्तान के लोगों को अपील करना चाहूँगा कि ये आज वक्त है अपनी सेना का साथ देने का और हमारे नरेंद्र मोदी जी का साथ देने का।